टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम 246 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा बाकी बैट्समैन टीम इंडिया के स्पिनर्स के खिलाफ बेबस और लाचार नजर आए। रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा को 3-3 कामयाबी मिली। अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बहरहाल अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने अपनी बात रखी है। नासिर हुसैन का मानना है कि भारतीय सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट खेलना आसान नहीं है, खासकर विदेशी बल्लेबाजों के लिए टीम इंडिया के स्पिनर्स को खेलना बड़ी चुनौती रहती है। भारतीय सरजमी पर रवि अश्विन हमेशा अपने पीक पर होते हैं, उन्होंने हैदराबाद टेस्ट में फिर साबित किया। साथ ही नासिर हुसैन ने कहा कि रवि अश्विन की गेंदों को खेलना अंग्रेजी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि रवि अश्विन की गेंदों पर हमेशा बेन डकेट संघर्ष करते रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं है, हमने 2016 टेस्ट सीरीज में देखा था, इस दौरे पर बेन डकेट बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। बहरहाल हैदराबाद टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और जैक क्रॉली ने 55 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट चलते गए और भारतीय स्पिनर्स की गेंदों पर अंग्रेजी बल्लेबाज लगातार पवेलियन का रुख करते रहे। हालांकि कप्तान बेन स्टोक्स ने एक छोर जरूर संभाले रखा, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने 246 रनों का स्कोर बनाया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय आप लोग हमें जरूर दीजिएगा।